सागर जिले में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलने से खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भीड़ लग गई है। खाद की मारामारी इस तरह है कि खाद लेने के लिए किसानों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन रही है। ऐसा ही नजारा देवरी खाद वितरण केंद्र पर देखने को मिला, जहां शनिवार को खाद का वितरण किया जा रहा है। केंद्र पर खाद लेने के लिए सैकड़ों किसानों की भीड़ जमा हो गई। टोकन वितरण का काम शुरू किया गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसानों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थितियां बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और किसानों को समझाइश देकर शांत कराया। जब भीड़ सामान्य नहीं हुई तो खाद के टोकन थाने में लाए गए और थाने के अंदर से बांटे गए। थाने से टोकन मिलने की सूचना पर देवरी पुलिस थाने के बाहर किसानों की भीड़ जमा हो गई। किसानों की भीड़ को देखते हुए थाने का चैनल गेट बंद करना पड़ा। पुलिस ने एक एक करके किसानों को अंदर लिया और टोकन का वितरण किया। करीब आधे घंटे में 200 से अधिक किसानों को टोकन बांटे गए, जिसके बाद खाद का सुचारू रूप से वितरण किया जा सका। यही हालात जिले के अन्य खाद वितरण केंद्रों पर हैं, जहां खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ लग रही है। किसानों का कहना है कि पर्याप्त खाद नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। सुबह से लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। जिनको मिल गया है टोकन, वहाँ मंदिर के पास पहुँच जाए, अपनी रसीद कटवाए जल्दी। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।